दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी अपडेट के बारे में। पहली, उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा 46,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर दोनों जानकारी आपको दें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई भर्ती के विज्ञापन के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्द आप सभी के सामने नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होने वाला है। अब से लगभग अगर बात की जाए एक या दो दिन के अंदर आप सभी के सामने एक नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी और इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से। जी हाँ, UPSSC की ओर से UPSSC वन दरोगा भर्ती को लेकर यहाँ से जो भर्ती का विज्ञापन है वो यहाँ से आगामी एक या दो दिनों के अंदर कभी भी जारी कर सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल इस भर्ती को लेकर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर फिर भी ठीक नहीं रहा तो परसों तक आप सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा। तो UPSSC के माध्यम से आने वाली बंद दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। अगर आप लोग इसकी योग्यता रखते हैं तो अपनी तैयारी करते रहें और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट है 46,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। 46,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर एक बड़ी जानकारी है। ऐसे अभ्यर्थी जो इस भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके पास में जो 46,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है वो राजस्थान से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपका रीट क्वालिफाई होना चाहिए। हाल ही में आपने रीट परीक्षा अगर दी थी तो आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। इसके जो आवेदन है वो आप सभी को जल्द देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसकी परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है कि 46,000 पदों पर परीक्षा कब होने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अध्यापक के 46,500 रिक्त पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 5 जनवरी 2023 में प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ से आप सभी ने सुना 46,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो परीक्षा आपकी होगी वो 5 जनवरी को आपको देखने के लिए मिलेगी, और 5 जनवरी की परीक्षा के बाद में राजस्थान के अंदर आपको यहाँ से शिक्षक बनने का मौका मिलेगा अगर आप इस 46,000 में से अपने लिए एक सीट निकाल पाते हैं तो। तो जल्दी आप सभी के सामने राजस्थान के अंदर 46,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीट क्वालिफाई अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, भले ही वो किसी भी राज्य से हों। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।